अभी एग्जाम्पल सिक्स से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जितने हमने पांच एग्जाम्पल देखे वो सारे एरर पे थे, ठीक है। अभी यहाँ से अप्रोक्सीमेशन अलग टॉपिक होता है, क्योंकि नाम ही एरर एंड अप्रोक्सीमेशन है, बट हम एरर ही कर करके इतने थक जाते कि अप्रोक्सीमेशन को देखते ही नहीं, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेशन भी बड़ा आसान है ना, तो हम लोग वो देखेंगे अभी। तो देखो कैसे है। फर्स्ट ये एरर का ही थोड़ा सा सब पार्ट है, ठीक है। फाइंड 3.82 का स्क्वायर प्लस 2.2.1 का क्यूब रेस टू 1/5 बाय यूजिंग अ थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन। जब ऐसा लिख के आया अप्रोक्सीमेशन, तो समझ लेना अप्रोक्सीमेशन से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये जो टर्म है हम इसको डायरेक्टली एक्स और वाई जेड में बना लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है। लेट जेड इज इक्वल टू, मैं ये टर्म को एक्स स्क्वेयर मान रहा हूँ, 2y³ + 1/5 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी ये एक्स इज इक्वल टू, राउंड फिगर में कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। अब देखो एक्स अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं तो 3.82 है, इट इज़ क्लोज टू 4, इसलिए एक्स का वैल्यू 4 लिया जा रहा है, ठीक है। वाई का वैल्यू 2.1 है ना, सो 2 के क्लोज है 0.1, इसलिए वाई का वैल्यू लिया जाता है, वाई का वैल्यू लिया जाता है 2.2, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू 2। नाउ हमें डिफरेंस निकालना है, एरर निकालना है। सो एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू दिया है उन्होंने 3.82, और वाई प्लस डी वाई दिया है 2.1, ठीक है। तो हम एक एक अभी देखते जाएंगे। देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैंने यहाँ रखा 4 + dx इज इक्वल 3.82, बराबर। सो 4 उधर जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आता है, डी एक्स इज इक्वल टू आता है -0.18, ओके। वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 2.1 है, 2.1 है। देयर फोर वाई का वैल्यू कितना होता है, वाई का वैल्यू है 2 + dy इज इक्वल टू 2.1, तो डी वाई इज इक्वल टू 2.1 - 2। देयर फोर डी वाई इज इक्वल टू क्या आता है, 0.1 आता है, डी वाई इज इक्वल टू आता है 0.1, एंड डी एक्स इज इक्वल टू आता है -0.18। सो ये एरर आपने निकाल लिया, ठीक है। नाउ अभी कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी होगी, तब जाके अप्रोक्सीमेशन के एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं, ठीक है। डी जेड डी जेड इज इक्वल टू डी जेड डैबा जेड बाय डैबा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डैबा जेड बाय डैबा वाई इंटू डी वाई कर रहे हैं, तब जाके हमें वैल्यूज लिखती आती है, ओके। देयर फोर डी जेड है, ओके। अभी डैबा जेड बाय डैबा एक्स मतलब जो जेड है इसका आप डेरिवेटिव लोगे, सो क्या आएगा, 1/5 आगे आएगा, बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 2y³ लिखा है, रेस टू 1/5 -1 होगा, मतलब माइनस कितना आता है, 4/5, आ रहा समझ में। बाद में क्या होगा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव इज 2x एंड 2y³ कॉन्स्टेंट है, सो दैट इज 0, ओके। एंड डी एक्स लिखा है क्योंकि ये डी एक्स यहाँ पर दिया है। बाद में डैबा जेड बाय डैबा वाई करना है, मतलब क्या, मतलब यही कि जेड को हमें वाई से डिफ्रेंशिएट करना है, तो सेम क्या आएगा, 1/5 आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2y³ आया, रेस टू -4/5 हो गया, ओके। एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है सो उसका 0 हो जाएगा, 2y³ है सो 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, बराबर है, तो 6y² होता है ये, ओके। और ये डी वाई लिखा है, ओके, स्क्वेयर आप थोड़ा सा कर लेंगे। नाउ डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1/5, एक एक वैल्यू लिख देना, यहाँ पर डालो आप, x का वैल्यू डालो आप, यहाँ पर 4 रख दिया, y का वैल्यू आपने यहाँ पर रख दिया, बराबर। बाद में कैल्सियम डालेंगे हम, x का वैल्यू डाल दिया, डी एक्स भी आपने निकाल लिया है -0.18। वैसे ही आप x का वैल्यू, y का वैल्यू, डी वाई का वैल्यू डाल देंगे, ओके, पूरा कैल्सियम में। सो डी जेड इक्वल टू कितना आता है, डी जेड इज इक्वल टू -0.018 आता है, ओके। यहाँ पर बराबर स्क्वेयरिंग कर लिया है उन्होंने, देखो यहाँ पर स्क्वेयर था तो यहाँ पर बराबर उन्होंने स्क्वेयर कर लिया, तो ये आएगा, ओके। नाउ डी जेड ही आया, देयर फोर जेड इज इक्वल टू क्या हो रहा है, x² + 2y³ + 1/5 ये हमने माना था, तो z इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू रखा, बराबर है, 2 y का वैल्यू रखा, तो ओवरऑल z का वैल्यू क्या आ रहा है, 2, बराबर है। ये z का वैल्यू आया और पिछला आपने क्या निकाला, डी जेड का वैल्यू निकाला, बराबर है। देयर फोर बाई थ्योरी ऑफ अप्रोक्सीमेशन z प्लस डी जेड होता है, तो z का वैल्यू लिखा ये वाला, ओके, 2 बाद में लिख दिया, और डी जेड का वैल्यू -0.18, ओके। देयर फोर वी गेट, माइनस करोगे ना तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह सॉल्व होता है। नाउ अगला देखोगे आप, सेवेंथ एग्जाम्पल, क्या है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
अभी यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है उन्होंने, एफ ऑफ एक्स वाई वाला वैल्यू दिया है 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू 1/2, देन फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थ्री फोर एंड माइनस एफ ऑफ 2.9 एंड 4.1। ओके, सो एफ ऑफ एक्स वाई 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू 1/2, यू इज इक्वल टू, मानता हूँ मैं यू इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू 1/2। ओके, देयर फोर स्क्वेयरिंग करते बोथ साइड तो यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ रहा है? अभी ये देखो, ये x और y है ना, तो ये x का वैल्यू 3 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या होगा, 4 हो जाएगा। सो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 आ रहा है। अभी लास्ट एग्जांपल का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, x प्लस डेल x इज इक्वल टू ये होता है 2.9, सो 2.9 के साथ कंपैरिजन करा जा रहा है, तो इससे क्या मिलेगा आपको, डेल x मिलेगा। y प्लस डेल y इज इक्वल टू 4.1 है, ओके, सो y का वैल्यू हमने 4 लिया है, तो डेल y का वैल्यू आ जाएगा 0.1 आया है, डेल x आया, डेल y आया। नाउ बाय स्टार इक्वेशन, यू स्क्वायर इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u डेल u, 50 कॉन्स्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डेल x, वाई स्क्वायर का माइनस 2y डेल y, सो 2u का वैल्यू 5 इंटू डेल u, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 इंटू डेल x आता है माइनस 0.1, 2 इंटू y का वैल्यू 4 इंटू 0.1। ओके, सो 2 इंटू 5 कितना आता है 10, तो 10 डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया है, आ रहे समझ में? नाउ कैलसी से निकालोगे तो प्लस 0.6 माइनस 0.8 आएगा, तो डेल यू का वैल्यू फाइनली आता है माइनस 0.02। ओके, देयर फोर सेम यू का वैल्यू निकालोगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल 50 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, बराबर है, तो एक्स का वैल्यू रखा जाएगा, वाई का वैल्यू रखा जाएगा, तो यू मिलेगा आपको 5। एफ ऑफ 2.9 और 4.1 निकालना है, दैट इज़ यू प्लस डेल यू करना पड़ेगा, तो यू का वैल्यू 5 है, डेल यू का माइनस 0.2, तो 4.98 आता है। फाइनली F34 और F2.9 4.1 का वैल्यू निकालना है, तो F34 कितना है, F34 है 5, ओके, और 2.9 और 4.9 वाले के लिए क्या है, 4.90, देयरफॉर माइनस होगा, तो 0.02 इज द आंसर। तो ये आंसर आपका फाइनली आता है, और इस तरह अप्रोक्सीमेशन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद आखिरी एग्जांपल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर मान लो एरर अप्रोक्सीमेशन दोनों अगर उनको पूछना है, तो ये एग्जांपल पूछा जाएगा, ठीक है। अभी देखो, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय 2 दिया है, बराबर है, एम चेंजेस फ्रॉम 49 to 49.5, V changes from 1600 to 1590, find the approximately change in T, मतलब approximation वाला, and percentage error in kinetic energy of T, आ रहे समझ में? Now, let us start the example, given क्या दिया है, given T is equal to mv square by 2 दिया है, ठीक है, m का value कितना है, लेना है, round figure 49, और V का value लिया है 1600, नाउ वॉट इज़ द फॉर्मूला, एम प्लस डेल एम इज इक्वल टू क्या रहता है 49.5, क्योंकि जो चेंजेस होता है वो इक्वल टू में लिखा जाता है, वी प्लस डेल वी इक्वल टू 1590 हो रहा है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट, 49 एम का वैल्यू 49 प्लस डेल एम इज इक्वल टू 49.5, वी का वैल्यू 1600 प्लस डेल वी इज इक्वल टू 1590 होता है, सो डेल एम का वैल्यू कितना आता है 0.5, और डेल वी का वैल्यू कितना आ रहा है -10। अरे समझ में? अभी हम लोग करेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, वाई लॉग, क्योंकि इन टू टर्म है, आ रहे समझ में? देयर फॉर लॉग लिया जाएगा, तो लॉग करोगे तो क्या होगा, लॉग टी लॉग एम आएगा, ओके, टू लॉग भी लिखा जाएगा, और नीचे लॉग टू है ना, मतलब डिवाइड में, सो लॉग एम अपॉन एन लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, माइनस लॉग टू होगा, बट वी नो लॉग टू इज जीरो, ओके, डिफ्रेंशिएट करोगे, लॉग टी का 1/t डेल टी, 1/m डेल एम, क्लियर, टू लॉग वी का 1/m इंटू डेल वी। नाउ डेल टी टी राइट हैंड में जाएगा तो इंटू हो जाएगा, डेल टी इज इक्वल टू टी इंटू डेल एम अपॉन एम प्लस टू डेल वी अपॉन वी आता है, ओके। नाउ डेल टी, बट इफ़ यू नो टी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वेयर बाई टू, और ये टर्म एज इट इज़। अभी हमें हर एक की वैल्यू पता है, देखो क्या पता है, एम पता है हमें, वी पता है, डेल एम पता है, एम पता है, डेल वी पता है, वी पता है, तो हर एक की वैल्यू हमने रख दी। डेल टी का वैल्यू क्या आता है, -144 × 10^3, ठीक है, ये आता है, कुछ लोगों ने ये भी निकाला था, बट इट इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100 टू स्टार इक्वेशन, अभी कौन सा स्टार इक्वेशन, देखो आप लोग कौन सा स्टार इक्वेशन, तो ये हमारा स्टार इक्वेशन था, क्योंकि हमें एरर निकालना है ना, आपको याद है दो चीज़ें पूछी यहाँ पर, परसेंटेज एरर भी निकाल के बताओ और अप्रोक्सीमेशन वाला भी करके बताओ, सो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे,
तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 डेल टी अपॉन टी आता है, 100 डेल एम अपॉन एम प्लस 200 डेल वी अपॉन वी आता है। 100 डेल एम अपॉन एम वैल्यू नहीं दिया है, बट डेल एम पता है, एम पता है, ठीक है, सो वैल्यू रख दिया। 100 डेल वी अपॉन वी तो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू रख दिया। और पूरा निकालोगे तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टी कितना आता है, -0.2469 एंड दैट इज द आंसर। तो मानता हो 8 एग्जाम्पल है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको करो तो आपका एरर एंड अप्रोक्सीमेशन फिक्स एंड फिक्स टॉपिक हो जाएगा। ये टॉपिक आपको गेट को भी आता है और आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आने वाला है, ठीक है। होप सो करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।